My name is Mohammad Hamza. My father name is Saqib. I read in class 5. My school name is Stephen School System, Dajjal. Today my topic is the difference between monocot and dicot plant. Monocot में जो बीज होता है वो 1 cotyledon होता है और जो dicot में बीज होता है वो 2 cotyledon होता है. और leaf, leaf में जो veins होते हैं वो parallel होते हैं, मतलब पे सीधी होती है. और बात करें dicot की, उसमें veins एक network की तरह होती है. और फ्लावर में इसके ये जो फ्लावर है उसके मल्टीपल होते हैं वो 3 होते हैं या 3 के मल्टीपल में से होते हैं. और अगर बात करें हम डाइकॉट में, उसके जो फ्लावर होते हैं वो 4 होते हैं या 5 होते हैं या इन दोनों के मल्टीपल होते हैं. एग्जांपल के वीट गंदम का पौधा होता है, उसमें एक बीज होता है और उसके ये जो वेंस होते हैं वो भी सीधे होते हैं और इसके फ्लावर ये 3 होते हैं. और बात करें इसकी डाइकॉट की एग्जांपल की, वो पी है, उसमें 2 बीज होते हैं और ये नेटवर्क की तरह होते हैं और इसके 5 ही होते हैं. थैंक्स.